18वीं लोकसभा ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। इस बार सर्वसम्मति ਨਾਲ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵਾਲੀ ਪਰੰਪਰਾ ਟੁੱਟਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, क्योंकि सत्ता धिर ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। सत्ता धिर NDA ने पिछली बार ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਕੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅ ਖੇਡਿਆ ਹੈ। लोग सभा ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਚੋਣ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। Just now only filed the nomination, it's a party decision, not my decision. You have to ask the party leaders, they will give you details. ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਨਖੇਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਚੋਣ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਧਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ MP ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਖੇਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਪੀਕਰ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। इस प्रकार की राजनीति को हम की निंदा करते हैं, और मुझे लगता है कि अच्छी परंपरा ये रहती कि लोकसभा निर्विरोध एक सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुनता। ये कोई अच्छी शुरुआत तो है नहीं, स्पेशली जब रूलिंग पार्टी के पास नंबर्स हैं, तो क्यों एक प्रक्रिया को तोड़ा जा रहा है, मुझे इंडिया ब्लॉक ही बता सकता है। हालांकि कुछ सियासी आगू स्पीकर की चोन का भावें विरोध कर रहे हैं, पर आम आदमी पार्टी ते समाजवादी पार्टी ने इस चोन नू सही ठहराया। पूरा मैंडेट पूरी मेजोरिटी BJP के साथ नहीं है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो विपक्ष है उनकी आवाज पहुंचना और उनकी जो आवाज को प्रोटेक्ट करने वाला स्पीकर चाहिए, वो मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस से होना चाहिए। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि इस बार विपक्ष बहुत मजबूत है, तो अगर अपना स्पीकर चुना है तो अच्छी बात है। हुण जिक्र दोवें उम्मीदवारां दा भी कर लैंदे आं। NDA दे उम्मीदवार ओम बिरला 17वीं लोकसभा दे विच भी स्पीकर रहे ने, भाजपा दे 3 बार दे MP ने, राजस्थान दे कोटा तों मौजूदा संसद ने जो 2 बार विधायक भी रह चुके ने, जबकि इंडिया गठजोड़ दे उम्मीदवार के सुरेश UPS सरकार दे विच मंत्री रहे, कांग्रेस दे 8 बार दे MP ने अते केरल दे मावेली कारा तों मौजूदा संसद ने। दस दईए कि जेकर ओम बिरला जित जांदे ने तो भाजपा के पहले अजिहे MP होणगे जो लगातार दूजी बार स्पीकर का अहुदा संभालणगे, ते जेकर वो अपना कार्यकाल पूरा कर लैंदे ने तो कांग्रेस के बलराम जाखड़ के रिकॉर्ड की बराबरी कर लैणगे, जो 1980 तो 1985 अते 1985 तो 1999 तक 2 बार लोकसभा के स्पीकर रह चुके ने। ब्यूरो रिपोर्ट, News 18। अठारवीं लोकसभा के सैशन की शुरुआत हो चुकी है। इस बार सर्वसम्मति नाल स्पीकर की चोण वाली परंपरा टुटन जा रही है, क्योंकि सत्ता धिर ते विरोधी धिर ने आपो अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिता है। सत्ता धिर NDA ने पिछली बार के स्पीकर ओम बिरला नूं फिर तो मैदान के उतारिया, तो इंडिया गठजोड़ ने के सुरेश से अपना दा खेडिया। लोकसभा के स्पीकर की चोण बुधवार को सवेरे 11 बजे होगी, जिस दे लई दोवें उम्मीदवार ने आपो अपनी नामजदगी दाखिल कर दी है। Just now only filed a nomination, it's a party decision, not my decision. You have to ask the party leaders, they will give you details. ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਨਖੇਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਚੋਣ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਧਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ MP ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਖੇਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਪੀਕਰ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। इस प्रकार की राजनीति को हम की निंदा करते हैं, और मुझे लगता है कि अच्छी परंपरा ये रहती कि लोकसभा निर्विरोध एक सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुनता। ये कोई अच्छी शुरुआत तो है नहीं, स्पेशली जब रूलिंग पार्टी के पास नंबर्स हैं, तो क्यों एक प्रक्रिया को तोड़ा जा रहा है, मुझे इंडिया ब्लॉक ही बता सकता है। हालांकि कुछ सियासी आगू स्पीकर की चोन का भावें विरोध कर रहे हैं, पर आम आदमी पार्टी ते समाजवादी पार्टी ने इस चोन नू सही ठहराया। पूरा मैंडेट पूरी मेजोरिटी BJP के साथ नहीं है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो विपक्ष है उनकी आवाज पहुंचना और उनकी जो आवाज को प्रोटेक्ट करने वाला स्पीकर चाहिए, वो मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस से होना चाहिए। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि इस बार विपक्ष बहुत मजबूत है, तो अगर अपना स्पीकर चुना है तो अच्छी बात है। हुण जिक्र दोवें उम्मीदवारां दा भी कर लैंदे आं। NDA दे उम्मीदवार ओम बिरला
17वीं लोकसभा दे विच भी स्पीकर रहे ने। भाजपा के 3 बार के एम पी ने, राजस्थान के कोटा तो मौजूदा संसद ने जो 2 बार विधायक भी रह चुके ने, जबकि इंडिया गठजोड़ के उम्मीदवार के सुरेश यूपीएस सरकार दे विच मंत्री रहे। कांग्रेस के 8 बार के एम पी ने अते केरल के मावेली कारा तो मौजूदा संसद ने। दस दईए कि जेकर ओम बिरला जित जाते हैं तो भाजपा के पहले अजिहे एम पी होणगे जो लगातार दूजी बार स्पीकर का अहुदा संभालणगे, ते जेकर वो अपना कार्यकाल पूरा कर लेंदे ने तो कांग्रेस के बलराम जाखड़ के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे जो 1980 तो 1985 1985 तो 1999 तक 2 बार लोकसभा के स्पीकर रह चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।